केंद्रीय मंत्री ते बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस ते करारा हमला कीता है। कांग्रेस अते उसदे लीडर अधीर रंजन चौधरी नू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते कीती गई टिप्पणी ते राष्ट्रपति अते देश तो माफी मंगण लई कहा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी दे इतराजयोग बयान नू लेके वीरवार नू लोक सभा विच भी भारी हंगामा होया है। ते उधर अधीर रंजन दा कहना है कि मैं द्रौपदी मुर्मू दा अपमान नहीं कीता, मेरे मुंह तो गलती दे नाल इस शब्द निकले सी। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि अब कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझसे निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मत, मतलब इसको तवज्जो दिया करो, मेरे बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूँ कि मैं जिस पत्रकारों, मीडिया वालों को ये वीडियो दिखा बात कही थी वो सब देख लिया करो ना, एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे, अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका।